तो दोस्तों शिबा इनू कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर एक क्वेरी जो नए इन्वेस्टर की हमेशा रहती है कि 1 रुपये तक शिबा इनू जा सकता है या नहीं जा सकता, क्या ये फिर से उतना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है जो कि इसने हिस्ट्री में दिया हुआ है। कई लोग दोस्तों रोड टू 1 सेंट वाला जो इसका एक हैशटैग चलता है उसके बारे में भी पूछते हैं, क्या वो 2022 में पूरा हो सकता है या नहीं सकता। कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी प्राइस काफ़ी लंबे समय से अगर देखी जाए तो 2.1 से लेकर 2.7 की सीरीज़ में वेरी कर रही है। काफ़ी लोगों ने इसमें ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा अर्न किया है। पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है दोस्तों शिबा इनू, और अगर पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की भी बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है दोस्तों। डेली बेसिस पे कोई ना कोई बड़ी कंट्रीज इसको लीगल टेंडर दे रही है, कुछ लोग इसको एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रहे हैं। शिबा इनू की मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी ऐसा इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन दोस्तों शिबा इनू का जो टारगेट है 1 रुपये का, और कई लोग इसको $1 तक भी देखते हैं, इसको ड्रीम करते हैं, और दोस्तों ये गलत भी नहीं है, ये सच है। क्योंकि शिबा इनू अब मीम कॉइन्स नहीं रहा है, नॉट एट ऑल, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा यूटिलिटीज़ ऐड कर ली हैं अपने अंदर। जैसा कि रिसेंटली अभी ये मेटावर्स में जाने वाला है और 3 दिन बाद वहाँ पर जो पब्लिकली सेल है, जो लेंड्स वगैरह वहाँ पर खरीदी जा सकेंगी, बेची जा सकेंगी, तो इन चीज़ों से भी दोस्तों इसकी बर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि ऑलरेडी ये रिवील हो चुका है कि मेटावर्स से जो अर्निंग होने वाली, जो NFTs वगैरह या जो वहाँ पे लैंड वगैरह सेल होगी, जो भी चीज़ होने वाली, उनसे इसकी बर्निंग होने वाली। और दोस्तों अगर आपने शिबा इनू को होल्ड करके रखा है, चाहे आप नए इन्वेस्टर हों या आपने पुराने समय से इसको होल्ड किया हुआ है, तो आपको इतना तो पता होगा कि दोस्तों शिबा इनू की जो कम्युनिटी है, जो टीम है, वो बर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। इसको जो सपोर्ट करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े या बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी टाइम टू टाइम जो बर्निंग पार्टीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करवाते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ये इंटेंशन यहाँ से साफ क्लियर होता है कि अपनी जो सप्लाई है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है जो शिबा इनू की टीम है और इसके जो सपोर्टर हैं, इसकी बर्निंग लगातार बढ़ती हुई जा रही है दोस्तों। और जैसा कि अभी मेटावर्स आएगा तो इससे इसकी बर्निंग की रेट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इसका जो विज़न है 1 सेंट का या 1 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का या $1 का, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो भी दोस्तों इसकी बर्निंग है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इसकी मार्केट कैप में भी इजाफा होना ज़रूरी है, यानी कि अगर इसकी प्राइस में दोस्तों अगर 10x बढ़ता है तो इसकी मार्केट कैप को भी कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बर्निंग से ही ये सब चीज़ इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। अगर 1 सेंट ये 2022 तक जा सकता है तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न रहने वाला है, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है कि कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसा कि अमेज़न की मैं बात कर रहा हूँ, रेडबुल हो या कोई और जैसे फ्लिपकार्ट या बड़े बड़े जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड हैं उन पर अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हो भी सकता है। जैसा कि टेस्ला है दोस्तों, अगर टेस्ला शिबा इनू को वाकई में अगर एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लेती है तो दोस्तों ये इसी सप्लाई के साथ भी दोस्तों 1 सेंट से ज़्यादा जा सकता है, लगभग 1 रुपये के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। क्योंकि इसकी मार्केट के, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी मार्केट के 500 ट्रिलियन रुपीज़ हो सकती है, यह पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। तो ये 1 सेंट भी अगर जाता है दोस्तों तो उसके बाद इसकी जो बर्निंग वगैरह है और इसके जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें ऑटो बर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा अगर आपने इथरस्कैन पर इसकी बर्निंग जो वॉलेट है उसको देखा होगा, डेली बेसिस पर कम से कम मिलियंस में, कभी कभी बिलियंस में बर्निंग होती है और ये डेली बेसिस पर हो रही है दोस्तों। वो तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे दोस्तों तो शिबा इनू की प्राइस 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये भी जा सकती है अगर आप 4-5 साल के लिए देखे देखो। लेकिन अगर आप 2022 के लिए सिर्फ इसको होल्ड करके रखे हुए हो दोस्तों तो मैक्सिमम आप 1 सेंट का सो सकते हो दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो अगर इसकी USDT में आप प्राइस देखोगे तो 4 जीरो दिखाई देते हैं, अगर इंडियन रुपीज़ में देखोगे तो 2 जीरो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों 1 जीरो तो ये इजीली किल कर सकता है 2022 के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से दोस्तों इसकी जो बर्निंग हो रही है उससे दोस्तों मिलियंस में टोकन डेली बेसिस पे बर्न हो रहे हैं, और साथ ही साथ मेटावर्स में अभी ये एंटर करने वाला है, 3 दिन बाद जो सेलिंग वगैरह है वो लाइव हो जाएंगी पब्लिकली, तो इसकी बर्निंग रेट में और ज़्यादा इंक्रीमेंट आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि अगर आपने इसके ट्वीट्स वगैरह देखे होंगे, जैसे कि रोबिनहुड एक्सचेंज पर रिसेंटली ये लिस्ट हो चुका है, तो दोस्तों अभी अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो लगभग ज़्यादातर एक्सचेंज पर हमें शिबा इनू मिल जाता है। और दोस्तों अभी जैसा कि कोइनबेस है और बड़े बड़े जो अगर पूरे क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की भी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उसको लीगल टेंडर मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर रही है, वर्ल्ड वाइड फैलता हुआ जा रहा है शिबा इनू एज वेल एज पूरा का पूरा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। जैसा कि शिबा इनू की अगर बात की जाए तो इसकी जो बर्निंग है दोस्तों उस पर कितना फोकस होता है, जैसा कि इसके खुद की मर्चेंडाइज है उसकी अर्निंग से बर्निंग होती है, एक वेलेज रेस्टोरेंट है उसकी, जो मैं मेजर बता रहा हूँ, जैसा कि इसके जो एक स्टीवन कूपर है काफ़ी बड़े इसके सपोर्टर हैं, एक काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ट्विटर पर, अगर आप अगर उनको जानते हैं तो टाइम टू टाइम वो बर्निंग पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाते रहते हैं। इनका खुद का एक ब्राउज़र भी है जिसके रिवेन्यू से भी ये बर्निंग करते हैं। अभी मेटावर्स से भी इसकी बर्निंग होने वाली, NFTs से ऑलरेडी इसकी बर्निंग हो रही है दोस्तों, ऑटो बर्निंग भी इसमें होती है। तो आप देखिए दोस्तों इसमें बर्निंग से रिलेटेड जो ओवरऑल फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, जो बाकी प्रोजेक्ट हैं उनसे
ये अलग कर देता है दोस्तों, ये वाली ओनली चीज़। जैसा कि अगर किसो इनो की बात की जाए, वो भी इसी के साथ लॉन्च आया था मार्केट में, लेकिन दोस्तों उसमें बर्निंग नहीं होने की वजह से अभी भी दोस्तों वो काफ़ी पीछे है शिबा इनो के कंपेरिजन में। और दोस्तों मेम कॉइन का जब भी नाम आता है तो शिबा इनो को सबसे पहले याद करते हैं, सबसे पहले इसको देखा जाता है। जैसा कि बड़ी बड़ी जो फर्म है, जैसा कि अभी फ्रांस में एक टैक्सी फर्म थी जिसने इसको एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया, इंडिया में भी दोस्तों काफ़ी जो छोटे छोटे बिजनेस हैं मैंने उन्होंने भी ट्वीट करके, आपने देखा होंगे ऐसे काफ़ी ट्वीट्स, इसको एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी शॉपकीपर्स। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी कम्युनिटी है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है दोस्तों। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो दोस्तों लाइव स्ट्रीम करते हैं 24/7 और उनकी जो अर्निंग होती है उससे वो शिबा इनो को बर्न कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से देख सकते हो दोस्तों, ये टोटल ओवरऑल जो इंटेंशन है बर्निंग का वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो इसी बेसिस पे दोस्तों हर कोई कह सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 2022 तक 10 ये आराम से किल कर सकता है। और दोस्तों अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचें तो इसका प्राइस 1 रुपये तक भी फॉर श्योर जा सकता है। खासकर जो नए इन्वेस्टर हैं, जो कि इसकी जो जैसा कि इसका रिकॉर्ड जिसने भी देखा होगा हिस्ट्री कि इसने इतना ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है, तो वो सोचते हैं कि इसमें से और भी प्रॉफिट लेके निकलना है हमको। तो दोस्तों साल 2 साल या 3 साल के लिए आप इसमें अपना जो मिनिमम अमाउंट है जितना भी आप, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत आप बढ़ा के भी रख सकते हो क्योंकि अभी ये मीम कॉइन तो नहीं रहा है, लेकिन इसका प्राइस 1 रुपये जा सकता है अगर आप इसको थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो तो। अगली जैसा कि इसकी अपडेट्स अगर आप देखोगे, जैसा कि दोस्तों ये अ कैनेडियन ऑनलाइन कैन बेसिस डिस्पेंसरी एक्सेप्ट सिब एज पेमेंट मेथड। तो दोस्तों इस तरह की काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से ये डेली बेसिस पे न्यूज़ आती रहती है कि शिबा को यहाँ पर एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जाने लगा है दोस्तों। और दोस्तों ट्रेंड अगर आप देखोगे ट्विटर पर तो अमेजोन फ्लिपकार्ट टेस्ला को लेके काफ़ी ज़्यादा रहता है कि इनको शिबा इनो को पेमेंट मेथड एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना चाहिए। और दोस्तों यही बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं इनसे इसको हाइप मिलने वाली है। और दोस्तों अगर अब की बार जो शिबा इनो है अगर नया ATH बनाता है दोस्तों तो ये 1 सेंट के काफ़ी नज़दीक जाने वाला है। और दोस्तों इसकी बर्निंग, जैसा कि अभी मैं आपको इसका बर्निंग, ये जो बर्न एड्रेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पर भी देखोगे तो मिलियंस में दोस्तों इसकी बर्निंग हो रही है। और कभी कभी अगर आप 8-9 दिन तक लगातार चेकआउट करोगे दोस्तों तो कुछ ट्रांजेक्शन आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें बिलियंस में भी बर्निंग हो रही है दोस्तों, क्योंकि वो दोस्तों वहाँ पर किसी ने या तो बर्निंग पार्टीज ऑर्गेनाइज की होगी या कोई यूट्यूबर होगा जिसने लाइव स्ट्रीम के जो रिवेन्यू है उससे बर्न किया होगा। तो कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे भी दिखाई देते दोस्तों जिसमें बिलियंस में भी बर्निंग हो रही होती है, लेकिन मिलियंस में डेली बेसिस पे हो रही है दोस्तों, चाहे तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को। और दोस्तों आपको पता होगा मिलियंस मिलियंस अगर टोकन बर्न हो रहे हैं तो कितना ज़्यादा जो इसका मार्केट कैप है वो, कहने का मतलब, रिमूव हो रहा है। तो दोस्तों वो बाकी के कॉइन्स में एडजस्ट हो रहा है कंटिन्यूसली और वो चलता रहेगा। हालांकि कई लोग अभी भी ट्रेडिंग करके इसमें से काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने खुद के सब्सक्राइबर में भी देखी और खुद भी मैंने भी इस चीज़ का काफ़ी फायदा उठाया। अभी जो डिप था दोस्तों ये काफ़ी अच्छा खासा डिप था। आई होप आपने अच्छे खासी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एंट्री ले ली होगी, स्टेबल्स कॉइन्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों शिबा इनो भी यहाँ से दोस्तों अब बुल रन अगर लेगा तो ये अपने नए ATH की ओर बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों मेटावर्स किसी भी प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 दिनों में दोस्तों पब्लिकली जो ये मेटामास वॉलेट से आप इथेरियम से ये वो जो लेंस वगैरह है उसको, कहने का मतलब, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, जो भी इसमें मेटावर्स में सारा चीज़ पब्लिकली हो जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो बर्निंग रेट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों बिटकॉइन ऑफ अमेरिका, जैसा कि वहाँ पर ATMs हैं, जैसे यानी कि कैश से जो क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा सकती है, वहाँ पर भी दोस्तों शिबा को भी खरीदा जा सकता है। तो ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है कि शिबा इनो लगातार दोस्तों अपने आप को फैला रहा है, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड तरीके से, मतलब इसको एकदम स्प्रेड कर रहा है, कहने का मतलब इसको एज ए पेमेंट मेथड भी काफ़ी हद तक एक्सेप्ट किया जाने लगा है। और दोस्तों ये 1 रुपये तक जा सकता है, ये आंसर मेरा उन होल्डर्स के लिए जिन्होंने पर्सनली मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, जो नए इन्वेस्टर थे, खासकर जो इंडियन इन्वेस्टर थे। तो आपको दोस्तों उसके लिए 2-3 साल तक इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।